अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सिंपल डिश फूड रेसिपी में आप लोगों को खुश आमदीद करती हूँ और ईद उल ज़ुहा की चांद मुबारक हो। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे आपको न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज आपको बहुत ही टेस्टी रेसिपी कद्दू गोश्त की सिंपल रेसिपी शेयर करूँगी, जो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ 750 ग्राम कद्दू को मोटे साइज में काट लिया है। एक केजी मटन लिया है। 500 ग्राम प्याज को स्लाइस काट लिया है। 1/2 गरम मसाला लेंगे टेस्ट के लिए, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून खड़ा गोल मिर्च, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 2 तेज़पत्ता, 4 से 5 खड़ा लाल मिर्च, 1 कप तेल को गरम कर लेंगे। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तब खड़ा गरम मसाला को चटकाएंगे और 2 कटी हुई प्याज के बराबर प्याज डाल के फ्राई करेंगे और बची हुई को बाद में ऐड करेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तब मटन को ऐड कर देंगे। और अच्छे से चला लें। और गोश्त को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। गोश्त फ्राई हो गई है, अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। दो टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून मिर्चा पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गोल मिर्च पाउडर, 1/2 कटी हुई प्याज डाल के चला लें। और थोड़ा सा पानी ऐड करके चला ले, जिससे मसाले चिपके नहीं। मसाला जब थोड़ा भून जाए तो इसमें 2 टीस्पून दही डालेंगे, जिससे और भी टेस्टी बनेगी।
अब इसमें एक गिलास पानी डाल के ढक्कन बंद कर देते हैं। ढक्कन बंद कर देते हैं और 3 सीटी लगा के बंद कर दे, जिससे मटन 3/3 गल जाए और 1/3 कद्दू डालने के बाद पकाएंगे। 3 सीटी के बाद ढक्कन खोल के देख लेते हैं। अब इसमें का सारा पानी को सुखाने तक भूनेंगे। इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल के चला लें। जब गोश्त अच्छे से भून जाए तो इसमें कद्दू डाल के इसे भी भून लेते हैं। कद्दू भी मटन के साथ भून गई है। अब इसमें 2 गिलास पानी ऐड करके फिर से 2 सीटी और लगाएंगे, जिससे कद्दू और मटन फाइनली गल जाए। अब हम कुकर ओपन करके देख लेते हैं, हमारी कद्दू गोश्त बनके रेडी है। इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालकर चलाते हुए मिला लेंगे। कद्दू गोश्त बनके रेडी है, जो बहुत ही टेस्टी बनी है। इसे रोटी या प्लेन चावल के साथ सर्व करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट इन माई YouTube चैनल।